person standing at the junction of two straight paths represented by the equation, दो equations हैं जो दो straight paths को represent कर रही हैं, wants to reach the point whose equation is 6x minus 7y plus 8 equal to 0 in the least time. कम से कम समय में वो यहाँ पे पहुंचना चाहता है. Find equation of the path that he should follow. एक person दो straight paths के junction पे खड़ा है, यानी कि जहां पे वो मीट कर रहे हैं वहां वो खड़ा है. उस जंक्शन पॉइंट से, यानी कि उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से, ही इज टू रीच अ थर्ड पाथ इन द लीस्ट टाइम. लीस्ट टाइम कब लगेगा? जब वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. एक पॉइंट का एक लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होता है? नाइन्थ में किया हुआ है, दैट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो क्या करेंगे इसमें? हाँ जी, सबसे पहले क्या करोगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लोगे और फिर ये टू लाइंस का जंक्शन है. फर्स्ट लाइन है 2x minus 3y plus 4 equal to 0 और सेकेंड लाइन है 3x plus 4y minus 5 equal to 0. ठीक है, पर्सन यहां पे है. इस पॉइंट से फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ दैट ही शुड फॉलो. इस लाइन से, इस पॉइंट से उसने इस लाइन पे आना है जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है 6x minus 7y plus 8 equal to 0. तो ये पाथ उसको फॉलो करना पड़ेगा लीस्ट टाइम में पहुंचने के लिए. अब मुझे क्या करना है? इस पाथ की इक्वेशन निकालनी. क्वेश्चन आ गया समझ? क्या है? इस पाथ की इक्वेशन निकालनी है, मतलब मुझे ढूंढना पड़ेगा इसके लिए मुझे क्या क्या गिवन है. ये परपेंडिकुलर है तो इसका जो स्लोप होएगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल इसका स्लोप आ जाएगा. यहां से मुझे पॉइंट मिल जाएगा. एक पॉइंट के लिए इफ आई एम गिवन द स्लोप, इफ आई एम गिवन द पॉइंट, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से आई कैन फाइंड आउट द इक्वेशन. गिवन क्या है आप वो ढूंढो, उसके बेसिस पे आपके जितने भी फॉर्मूले हैं उनमें से कौन सा यूज हो रहा है वो हम देखेंगे. अब ये जो कंडीशंस गिवन थी इसके बेसिस पे मुझे ये लाइन गिवन है, मैं यहाँ से इसकी स्लोप निकाल सकती हूँ. ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिवन है, पॉइंट आ जाएगा. कोई भी एक ऐसी लाइन जिसकी मुझे इक्वेशन निकालनी है और उसकी मुझे अगर स्लोप पता है और वो किसी एक पॉइंट से, जिस पॉइंट से पास करी है मुझे वो पॉइंट पता है, तो आई कैन यूज द स्लोप पॉइंट फॉर्म. y minus y1 is equal to m times x minus x1 टू फाइंड इट्स इक्वेशन. स्टेटमेंट क्लियर है क्या करना है? अब चलिए क्या निकालेंगे पहले? इंटरसेक्शन पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ m. सॉल्व करो जल्दी से दोनों इक्वेशंस को एंड टेल मी द आंसर. टेंथ में किया हुआ इक्वेशन सॉल्विंग. सॉल्व द इक्वेशंस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x कॉमा y, देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. डू इट. डन गुरकीरत, करो जल्दी. कितना आ रहा है? 22. वाई 22 चेक करो.
कौन सा? अच्छा हाँ, ये दिस विल बी नेगेटिव माइनस 17, माइनस 22 बाय 7 आ रहे हैं, 17 प्लस 22 बाय 17, हाँ जी हाँ जी प्लस है, और x की वैल्यू माइनस 1 बाय 17, चेक कर लो बच्चे बाकी भी। कुछ ना कुछ, हाँ इधर ले जाओगे ना तो नेगेटिव हो जाएंगे, दोनों नेगेटिव है तो वो कट के पॉजिटिव आएगा आपका रिजल्ट। माइनस 1 बाय 17 आ रहे हैं, किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो। अच्छा दिस इज 2x, माइनस 1 बाय आएगा, ठीक है। अब ये पॉइंट आ गया, अब स्लोप निकालो। स्लोप कितनी गिवन है यहाँ पे, माइनस कोफिशियंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ y, तो 6 बाय 7, इसकी स्लोप क्या आ जाएगी, माइनस 7 बाय 6। अब इक्वेशन निकाल लो, पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। सिंप्लीफाई कर लो इसको, ये आपका 17 कैंसल आउट हो जाएगा, कॉन्स्टेंट से एक तरफ रखो और यू विल गेट योर आंसर। कैलकुलेशंस चेक कर लेना एक बार। डन हो जाएगा कंप्लीट ये। चलें अब अगले पे। हाँ जी, इक्वेशन बनानी है बच्चे, कॉन्स्टेंट से एक तरफ ले जाओगे और फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। 119 बाय 6x प्लस 17 बाय माइनस 139 बाय 6, ठीक है डन बच्चे। चले अब क्वेश्चंस नेक्स्ट पे, रिवीजन कर रहे हैं हम अब स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1 सेट्स के साथ, ठीक है। सेट्स के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स बताएंगे जरा, क्या होता है एक सेट, क्या होते हैं। सेट क्या होते हैं, कोई भी वैल्यूज, हाँ जी सेट क्या होते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एग्जांपल्स, अच्छा अब मान लो हम assertion ले लेते हैं, assertion reason वाले questions बनाते हैं। assertion मैंने ले ली, a is equal to this is a set of all novels of Munshi Premchand,
सेट बनेगा इनसे, विल दिस असर्शन बी ट्रू? सेट बनेगा क्यों? yes, क्योंकि जो भी आपका इसमें एलिमेंट्स बनेंगे दैट विल बी वेल डिफाइंड. मुंशी प्रेमचंद ने जो लिखे होंगे नॉवेल्स वही आएंगे. रीजन इसका हम क्या दे सकते हैं? व्हाट कैन बी द रीजन? फ्रेम करो. हाँ जी, दोनों ट्रू है एंड रीजन इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द assertion. तो ऑप्शंस जो है वो आगे पीछे हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि वही वही आएंगे जो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आते हैं. तो दैट यू आर टू टेक केयर ऑफ. ऑप्शंस बनती क्या है हमारी? assertion इज ट्रू, रीजन इज ट्रू. assertion रीजन जो है इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion. ये फर्स्ट स्टेटमेंट बनती है. सेकेंड स्टेटमेंट मतलब सेकेंड ऑप्शन हमारी क्या बनती है? assertion इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ assertion. थर्ड बनती है assertion इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू. और नेक्स्ट बन जाएगी assertion इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स. कई बार एक और दी होती है, बोथ assertion एंड रीजन आर फॉल्स. तो डिपेंडिंग ऑन कि आपका क्या क्वेश्चन बन रहा है. ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं. हमें गिवन है एक्स सच दैट, ये अब assertion है आपका. अच्छा, जो रीजन गिवन होगा फिर वही चीज आ जाती है कि जरूरी नहीं है कि वो assertion से रिलेटेड ही गिवन होगा. अगर assertion से रिलेटेड है आप उसको चेक करोगे ट्रू है या फॉल्स है, तो अकॉर्डिंगली आप उसकी जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करोगे. अब मुझे क्वेश्चन गिवन है, assertion गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर. लेस देन सिक्स एंड दिस इज अ सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36. अब चेक करो ये assertion ट्रू है कि नहीं. assertion यहां क्या कह रहा है? एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स. इवन नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स कौन कौन से आएंगे? 2 and 4. ठीक है, दिस इज अ सबसेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 36. नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो रहे हैं, 1 डिवाइड 36. नेक्स्ट विल बी 6, नेक्स्ट 9, 12, और कोई है 18. ठीक है, अब बताओ assertion ट्रू है कि फॉल्स है? 2, 4 इज अ सबसेट ऑफ दैट, ट्रू होगी assertion. रीजन इसके साथ कुछ भी आ सकता है, तो आप रीजन को चेक कर लोगे. रीजन मान लो यहाँ पे मैंने दे दिया कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सबसेट लाइज इन द गिवन सेट, अ सेट. हाँ जी, ना वो तो उसका रिजल्ट है ना. रीजन मतलब कि ये स्टेटमेंट मैं ट्रू कह रही हूं, मैं किस बेसिस पे इसको ट्रू कह रही हूँ. सबसेट का मतलब क्या होता है? कि उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो बड़े वाले सेट में जिसका वो सबसेट है, यानी कि उसके सुपर सेट में वो सारे एलिमेंट्स होने चाहिए. 2 और 4 यहाँ पे हैं. ठीक है, तो ये सुपर सेट है, ये सबसेट है, इसके सभी एलिमेंट्स सुपर सेट में है, तो ये assertion आपकी ट्रू हो गई. रीजन कुछ भी दे सकता है वो साथ में, चाहे वो सबसेट की डेफिनेशन दे दे, सेटिस्फाई करेगी तो रीजन आपका करेक्ट होगा. चाहे वो यहाँ पे सेट की डेफिनेशन दे दे अगेंस्ट वही की वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो इसका करेक्ट रीजन नहीं होगा. वो सेट को डिफाइन कर रहा है बट सबसेट को डिफाइन नहीं कर रहा, तो दैट इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ठीक है, क्लियर है, समझ आ रहा है थोड़ा बहुत? बाकी जब करोगे और तो और क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट है, सेट ए गिवन है हमें 1, 2, 3, 4, 5. और 1, 2, 3 इज अ सबसेट ऑफ ए. दिस इज योर assertion.
रीजन दे देते हैं यहाँ पे, एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सबसेट लाइज इन सुपरसेट। रीजन ट्रू हो गया, सबसेट के सभी एलिमेंट्स सुपरसेट में लाए करते हैं। एसर्शन चेक करो, 1, 2, 3 इज अ सबसेट ऑफ ए। यहाँ पे 3, 4 एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि ब्रैकेट में इंक्लूड है, तो 3 को आप ऐसे अलग नहीं लिख सकते। जहां पे भी ये लिखा जाएगा दिस फुल विल बी रिटन एज एन एलिमेंट और ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो है ये इसका सबसेट नहीं है, तो एसर्शन आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया, बट रीजन आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन अकॉर्डिंगली। हाँ जी बच्चे, तब भी नहीं होगा अगर ऐसे आ जाए, ये तब भी नहीं होगा अगर ये ऐसे आएगा, देन ओनली इट विल बी करेक्ट, क्योंकि इसके साथ ही ये एक एलिमेंट आपका काउंट होगा। अगर ये भी आपने पेरेंथेसिस ब्रैकेट्स जो है ब्रेसेस यहाँ से हटा दिए, फिर नहीं आप उसको लो, मतलब जैसा यहाँ गिवन है एज इट इज वैसा उठाना पड़ेगा। दिस विल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, ये मैं आपके बुक में से ही जो ट्रू फॉल्स वाले हैं उन्हीं से ये क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके, तो दिस यू कैन फ्रेम योर सेल्फ ऑल्सो। नेक्स्ट है 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए, इसी उससे है सेट से, सेट ए ये गिवन है और उसके बाद है 1, 2, 5 यहाँ पे अगर 5 आ जाता है सेम स्टेटमेंट, बाकी एसर्शन ट्रू और फॉल्स, फॉल्स क्यों, तो 5 काम ब्रैकेट में ट्रू है, ये विदाउट ब्रैकेट है, ये विदाउट ब्रैकेट है, ये विदाउट ब्रैकेट है, तो इनका एक सबसेट बन सकता है, सिंगल सिंगल एलिमेंट है सारे के सारे एज इट इज मैंने उठाए, तो दिस इज अ सबसेट ऑफ ए। हाँ जी, नहीं नहीं ये 2 ये वाला है, वो टीओ वाला नहीं है, ठीक है। तो 1, 2, 5 जो है वो सबसेट है किसका, ए का। अब रीजन यही है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट सबसेट लाइज इन द सुपरसेट, रीजन करेक्ट है इसका, सबसेट की डेफिनेशन आ गई, एसर्शन भी ट्रू है, तो अकॉर्डिंगली यू विल गिव, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन, तो ऑप्शन ए विल बी योर आंसर, ठीक है। सबसेट और सबसेट में क्या होता है, आप एलिमेंट्स का एक सेट बनाते हो, उसमें कम एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। बिलोंग्स टू में एक ही एलिमेंट उठाते हैं और वो उस सेट का एक एलिमेंट होता है, सबसेट में सेट उठाते हैं और जो बिलोंग्स टू है उसमें एक एलिमेंट होता है। अगर जैसे मैं अब ऐसे लिखूं, ये इसको मैं पूरे को उठाऊं, तो दिस 3, 4 इज रिप्रेजेंटिंग वन एलिमेंट, तो 3, 4 बिलोंग्स टू ए अगर आया तो इट मीन्स ये एक सिंगल एलिमेंट है, ये सबसेट नहीं है। और अगर मैं ऐसे लिखूं यहाँ, ये सिंबल आएगा इसके लिए क्योंकि ये सबसेट नहीं है, ठीक है। और अगर मैं ऐसे लिखूं 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो दिस विल बी रॉन्ग, ये सबसेट कब होगा, जब मैं इसको इस फॉर्म में, क्लियर है आपको। जो मेन सेट है वो गिवन होगा, उसका एक एक एलिमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो बिलोंग्स टू का सिंबल आएगा, यहाँ पे 3, 4 क्योंकि ब्रैकेट में था तो बिलोंग्स टू का सिंबल आ गया। लेकिन अगर हम इस वाले सिंबल की सबसेट की बात कर रहे हैं तो वो आपको इसमें ब्रेसेस में जो है एनक्लोज करना, बिलोंग्स टू एलिमेंट के लिए लगता है, सबसेट सबसेट के लिए लगता है। अच्छा, इसमें अगेन वही रिजल्ट्स जो है मिसलेनियस वाले वो आपको लर्न करने पड़ेंगे, प्रूफ्स वाला काम अब आपका खत्म है। देन ये जो डिफरेंस वाला था ये भी नहीं है सिलेबस में, ये कट है आपका, तो ये भी करने की जरूरत नहीं है आपको। सेम आपके जो हैं, जैसे ये क्वेश्चन नंबर है पेज नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, मैच ईच ऑफ द सेट्स ऑन द लेफ्ट टू द इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। पेज नंबर 5 पे क्वेश्चन देखो आपका, 6th क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन आपका एज इट इज आ सकते हैं, मैच करना होगा आपको। ऑप्शंस में आपकी ऑप्शंस जो है वो किस तरीके से दी जाएंगी, लेफ्ट हैंड साइड पे यू आर हैविंग द ऑप्शंस इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। तो आपकी ऑप्शंस जो है वो इस तरीके से आ सकते हैं, फर्स्ट का आंसर बी, सेकंड का आंसर सी, थर्ड का आंसर ए, फोर्थ का आंसर डी। तो आपने पहले क्या करना है, उनको मैच कर लोगे एंड देन अकॉर्डिंगली यू विल राइट डाउन द आंसर। ये आपके चेंज हो जाएंगे। बी ऑप्शन में मान लो फर्स्ट ए से लिंक्ड है, देन सेकंड आपका मान लो बी से लिंक्ड है, थर्ड आपका डी से लिंक्ड है, फोर्थ आपका सी से लिंक्ड है। तो जो करेक्ट ऑर्डर होगा ज्वाइनिंग का, मैचिंग का, वो आपने आंसर लेना होगा। क्लियर है? तो एक टाइप आपकी ये बन सकती है। देन केस स्टडी आ गई। मान लो केस स्टडी में जैसे टेंथ में आते थे क्वेश्चन, कोई एक आपको जो है केस दे दिया जाएगा। अब इसमें मान लो ऐसे भी हो सकता है कि उन्होंने पहले आपको ऊपर बता दिया कि सेट ये होता है, सबसेट ये होता है, सुपर सेट ये होता है, एलिमेंट्स ये होते हैं। नीचे जैसे आपकी बुक में गिवन है, फिलअप की फॉर्म में आ जाएगा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक ऑप्शन आपको बिलोंग्स टू की दे दी, एक ही सबसेट की दे दी, एक प्रॉपर सबसेट की दे दी, और एक उन्होंने दे दी नन ऑफ दीज। तो डिपेंडिंग ऑन कि वो इनमें से कौन सा साइन आपका जो है उसमें पुट होके आपका जो आंसर है वो करेक्ट आ रहा है, वो आपको चूज करना। समझ आया ये वाला क्वेश्चन कैसे कह रही हूँ मैं? मान लो उन्होंने ऊपर डेफिनेशन दे दी पहले सेट की, फिर सबसेट की, फिर प्रॉपर सबसेट की, सुपर सेट की, कि ये होता है जैसे हमने थ्योरी में की है। उसके बाद उन्होंने हमें एक सेट दे दिया ए, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये ऐसे लिया मान। अब उसने ऑप्शन दे दी मुझे ये डैश ए। अब मुझे इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अब 3, 4 इसका एक एलिमेंट बन रहा है, सबसेट नहीं है, एलिमेंट है। तो कौन सा सिंबल पिक करोगे? ये वाला। ठीक है, एक टाइप आपकी ये बन सकती है। तो इस तरीके से आपके एमसीक्यूज बनने हैं, यानी कि आप अपने चैप्टर ही अच्छे से प्रिपेयर करोगे, उसकी थ्योरी अच्छे से करोगे, और उसी में से आपके क्वेश्चंस जो हैं वो फ्रेम हो। तो पेपर एज सच मतलब डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से किए हों। ठीक है, और एसर्शन रीजन वाले समझ आ गए हैं किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। देन एक टाइप आपकी मैचिट वाली बन सकती है। केस स्टडीज आपने टेंथ में की हुई है, आपको पता है कि वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, तो अकॉर्डिंगली आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। देन हाँ जी, प्रॉपर सबसेट में वो जो सेट होता है वो खुद का एक सबसेट होता है। 1, 2, 3 जैसे एलिमेंट्स है ना, तो 1, 2, 3 जो है वो भी मतलब बनेगा आपका, उसका एक सेट। जितने उसके सबसेट हमने बनाए हैं उसमें दिस विल ऑल्सो भी दे। सो जस्ट 1 more minute इज लेफ्ट, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क। बाकी डिपेंडिंग ऑन फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ये सारी डेफिनेशंस वगैरह अच्छे से कर लेना। आपको गिवन हो सकता है एग्जांपल्स, नीचे से चूज करो कि कौन सा फाइनाइट का है या कौन सा इनफाइनाइट का है अकॉर्डिंगली।